नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशि फल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों देखिए, शायद आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21 अक्टूबर 2021 के आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में, घरों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। शादी दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन गुरुवार का दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और अश्विनी नाम का दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो वज्र नाम का शुभ योग रात्रि के 9 बजे तक रहेगा, उसके उपरांत ही सिद्धि नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, दिन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यह समय कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा दोपहर के 1:36 से लेकर शाम के 3:01 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मेष राशि पर संचार करेंगे। दूसरों को उतना ही जल्दी क्षमा करें जितना जल्द आप भगवान से क्षमा चाहते हैं। किसी के दिल को ठेस पहुंचाकर माफी मांगना बहुत ही आसान है, लेकिन चोट खाकर किसी को माफ करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आत्मीयता को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि गलतियों को हम उदारता से क्षमा करना सीखें। दोस्तों, प्यार के बिना माफी नहीं है और माफी के बिना प्यार नहीं है, क्षमा वीरों का गुण होता है। दोस्तों, यदि कोई दुर्बल मानव तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर दो, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है, परंतु यदि अपमान करने वाला बलवान हो तो उसको अवश्य दंड दो। क्षमा का मतलब है कि जो बीत गया उसे जाने दो। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। देनी राशिफल। दोस्तों, यह समय आपके धर्म तथा अध्यात्म के प्रति आस्था आपको वर्तमान नकारात्मक परिस्थितियों से पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करेंगी। दोस्तों, आप अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संपन्न करेंगे तथा बाहरी गतिविधियों और लोगों के साथ मेल मिलाप पर भी आपका अधिक ध्यान यश में रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि यश में आपके लिए कुछ फायदेमंद स्थितियां भी बन रही है और इनमें आप अच्छी सफलता को भी प्राप्त करने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में आपको अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में कुछ परेशानियां भी आ सकती है, परंतु दोस्तों, यश में आपको धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बच्चों के कार्यों में ज़्यादा हस्तक्षेप करने से उनके मनोबल में कमी आ सकती है, तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों से आपको यश में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपने अभी तक अब कड़ी मेहनत द्वारा अपना स्थान निर्माण किया है। दोस्तों, यह स्थान को बनाए रखने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। दोस्तों, आपकी जीत की वजह से परिवार के कुछ लोग आपसे नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों, आपका परिवार के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी निभाना, इन बातों की वजह से रिश्तों में आ रहे तनाव ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, आर्थिक मामलों पर अधिक से अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, यह समय लाभ संबंधी ग्रह स्थितियाँ भी बनी हुई है, क्रम और पुरुषार्थ के माध्यम से आप सफलता और उपलब्धि हासिल यश में करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों, आपको बता दें कि किसी भी परिस्थिति में आपका स्वाभिमान व फिर आत्मबल यश में बना रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, यश में आपको अपने गुस्से व फिर चिड़चिड़ापन पर नियंत्रण रखना चाहिए, कभी कभी इसकी वजह से आपका स्वभाव जिससे होगा कि आपको कुछ दिक्कतें भी खड़ी कर देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि बाहरी व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप ना होने दें, क्योंकि दोस्तों, आपकी समस्या की जड़ यही हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अभी तक बर्बाद किए वक्त और ऊर्जा की वजह से यश में आपको पछतावा भी होगा, लेकिन दोस्तों, जो बातें हो गई है उन बातों पर अधिक ध्यान न देते हुए आपको बदलाव लाने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप योजना ठीक तरीके से बना रहे हैं, लेकिन योजना पर टिके रहने के लिए आपकी इच्छा शक्ति कम हो रही है, इसलिए दोस्तों, यश में अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें, इस बात पर आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करें, ये आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके बाद दोस्तों, यश में
आपके लिए सिम होंगी, आपके दिनचर्या के लिए जो सिम होंगी। आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ जनसंपर्क की दायरा भी इसमें बढ़ने वाले हैं। कुछ राजनीतिक लोगों के साथ भी लाभदायक मुलाकात होंगी। घर में धार्मिक कार्य संपन्न होते और योजना भी बन सकती है। इसके बाद दोस्तों इसमें आपके लिए सुनेंगे, आपको बता दें किसी सामाजिक सेवी संस्था से जुड़ना आपको इसमें खुशी और सुकून दोनों देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें कभी कभी कोई नकारात्मक बातें भी आपके ऊपर हावी होने की वजह से मनोबल में कमी आएगी, तो इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों अपने स्वभाव को इसमें पॉजिटिव बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। कोई भी कार्य करने में ज़्यादा सोच विचार ना करें, अन्यथा जो है समय हाथ से भी निकल सकता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको बता दें कि आपको मिले अनुभव द्वारा किसी व्यक्ति के साथ कैसे बर्ताव करना है यह बात आपको अच्छे से पता है, और दोस्तों इसी बात का फायदा इसमें उठाते हुए आप पुराने रिश्तों में बदलाव भी ला पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि रिश्तेदारों के साथ हो रहे मनमुटाव को मिटाने की आपको कोशिश करनी चाहिए, और इसमें आपकी कोशिश भी कामयाब रहेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि संतान संबंधी कोई भी शुभ समाचार इसमें आपको मिल सकता है। दोस्तों हर काम को शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे तो आप सभी समस्याओं का हल भी प्राप्त करेंगे और काम में अच्छी सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे यश में आपके पास आएंगे और आपको जो है अच्छे साबित करेंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यश में उनके सम्मान भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। परंतु दोस्तों आपको बता दें कि यश में दिखाव के चक्कर में आप अधिक खर्चा कर सकते हैं, इनसे आपको यश में बचना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि किसी से अगर कोई वादा किया है या फिर किसी को आपने कुछ वचन दिया है तो दोस्तों इन्हें अवश्य पूरा करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जो मौके आपने गलती से खोए थे वही मौके फिर से आपको प्राप्त होंगे। इस बार दोस्तों आपको अधिक जागरूकता दिखाकर मिले हुए अवसर को फायदा में बदलना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आपके अंदर बने हुए जो भी नकारात्मक दृष्टि है इन्हें दूर करने की कोशिश करें और धीरे धीरे आप इनमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों योग मार्गदर्शन के साथ अपने जो है प्रयत्न में जारी रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, और दोस्तों इनसे आपको सफलता भी इसमें प्राप्त होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों साझेदार के व्यवसाय में इसमें वह गति पकड़ेंगे। साथ ही दोस्तों सहयोगियों और कर्मचारियों से भी सहयोगात्मक रवैया रहेगा। लेकिन दोस्तों अपनी योजनाओं को जो है कुछ बदलाव लाने में आप प्रेरित कर सकते हैं, यानी दोस्तों आपको अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव इसमें लाना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी ऑफिस का माहौल सकारात्मक बना रहेगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यश में सारा दिन बाहर की गतिविधियों में भी व्यतीत होगा। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में उचित सफलता भी इसमें आप हासिल होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें नौकरी में कुछ विस्तार संबंधी योजना भी बन सकती है। नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन या फिर तबादला की स्थिति भी बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों शेयर तथा रिस्क परिवर्तित से इसमें आप दूर रहें, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर आपको ध्यान को भी केंद्रित करना चाहिए। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए नई योजनाएं बनाने के लिए समय आपके पक्ष में उतना नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, मार्केटिंग संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। नौकरी में परिवर्तन संबंधी आपको जो भी प्रयास हैं इसमें सफल रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों इसमें संतान की किसी समस्या को लेकर पति पत्नी में तनाव रह सकता है। दोस्तों बेहतर होगा कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, अवश्य ही कोई सफलता आपको इनमें मिलने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए जो होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी इसमें आ सकता है। पारिवारिक वातावरण भी इसमें खुशनुमा बना रहेगा, इसलिए दोस्तों इसमें आपको अपने परिवार पर भी ध्यान देना चाहिए, उनमें आपको समय व्यतीत करना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम संबंधों के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति से विवाह में परिणित होने का अवसर भी मिल सकता है। बच्चों के जो है अनुशासन में रहने की वजह से घर का माहौल भी इसमें खुशनुमा रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि काम के साथ साथ पारिवारिक गतिविधियों पर भी आप अपना सहयोग अवश्य दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। युवाओं का विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और यश संबंध प्रेम संबंधों में भी जो है तब्दील यश में हो सकते हैं।
और इसके उपरांत दोस्तों यशमय, अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें अर्थात आपके सेहत की, तो दोस्तों यशमय पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत रहेगी। इसकी वजह से आपको सिर्फ अनियमित खान पान ही नहीं, हल्का फुल्का और सुपाच्य भोजन भी लेना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय, आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपके सेहत के लिए समय होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, मौसम में बदलाव की वजह से कुछ आलस और सुस्ती भी आपके ऊपर हावी रह सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यशमय आपके स्वास्थ्य के लिए समय कैसे रहेंगे। दोस्तों जो भी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनसे संबंधित दिक्कतें आ सकती है। यशमय आपको किसी भी कार्य को करने से पहले तनाव से मुक्त होना चाहिए, इसलिए दोस्तों यशमय आपको मेडिटेशन पर ध्यान देना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यशमय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 2।